हेलो एवरीवन दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका कोचिंग को लेके देखिए काफी सारा जो आप सभी को है कि डीआरडीओ का जब से यहाँ पर रिजल्ट आया है तो स्किल टेस्ट को लेके काफी सारे इंस्टीट्यूट काफी सारे यूट्यूब चैनल्स आपके ऐसे हैं जो आपको कोचिंग के लिए रिकमेंड कर रहे हैं या फिर आपसे बोल रहे हैं कि आप हमारी जो कोचिंग है उसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो तो देखिए आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम यही सारी चीजों को डिस्कस करेंगे अगर आप थंबनेल देख चुके होंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना या फिर बिना कोचिंग के आप किस से ऐसे यहाँ पर तैयारी को कर सकते हैं वीडियो को एंड तक देखेगा सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी और जानकारी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही रहेगी तो प्लीज स्किप किए बिना आप यहाँ पर पूरी वीडियो को देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर जरूर उसे शेयर भी कीजिए तो देखिए फर्स्ट चीज स्किल टेस्ट के लिए कोचिंग देखिए स्किल टेस्ट के लिए काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो यहाँ पर आपका क्या है? कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं दस से बीस दिन के लिए और जो फीस है आपकी वो दो से तीन हजार रुपए या चार हजार रुपए तक आपसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर पे करो लेकिन देखिए मैं यहाँ पर जैसे काफी सारे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर उन्हें कोचिंग ज्वाइन करना है तो फिर वो किस तरह से, से कर सकते हैं या फिर हमें करना ही क्यों है तो देखिए मैं एक चीज बता दूं कि स्किल टेस्ट के लिए कोचिंग के स्टूडेंट्स को यहाँ पर ज्वाइन करना है तो क्या आपको ज्वाइन करना है सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आप खुद से इस चीज को पूछे कि क्या आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं सपोज देखिये मैं कोपा वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिकमेंड नहीं कर रही हूँ यहाँ पर कोचिंग के लिए क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो काम है वो आपका क्या है सिस्टम पर है ठीक है सिस्टम पर है तो ये सारी चीजें आप खुद भी सीख सकते हो आपने इतना ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि आप क्या करोगे कि जितनी भी चीजें आपने अच्छे से रीड की हुई है उन्हें आप क्या कर सकते हो कि आप अगर आपके पास देखिए लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में उन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो अदरवाइज देखिए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है सपोज अगर किसी फ्रेंड्स के पास यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए नहीं है, तो अगर उनके ब्रदर या सिस्टर का है अगर वो भी ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या होता है कि नहीं है तब आपके पास रहता है कैफे कि कैफे जाओ आप कैफे के अंदर एक टाइम ड्यूरेशन लो आप अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आप टाइपिंग करो वहां पर बैठ के या फिर आपका एक टारगेट लेके जाओ कि आज मुझे इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने तो एक घंटे के कैफे के अंदर कैफे टाइम जो है आपका उसके अंदर आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में मैंने देखिये एक लास्ट वीडियो डाला हुआ था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी कि जब भी आप किसी काम को करें तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करके आप एक फोल्डर के अंदर उसे यहाँ पर सेव भी करें ठीक है तो देखिये गोपा वाले स्टूडेंट्स का मुझे जहां तक लगता है कि आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है बाकी देखिए मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रीशियन फिटर वायरमैन या फिर आपका ड्रॉटमेन सिविल है इन सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा चांस आपका रहता है है कि हाँ, आप यहाँ पर पर किसी को करके अपना जो कोचिंग है उसे यहाँ पर कर सकते हो क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं बात करती हूँ तो वो कितना ही प्रैक्टिस करेंगे लेकिन अगर आप एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर दो तो वहां पर आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिल जाती जितने भी आपके टूल किट्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे साथ में आपका वाइवा का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना यहाँ पर कोचिंग को वहां पर ज्वाइन कर सकते ठीक है साथ में फिटर वाले सारे के सारे नहीं अपनी को करने के लिए अगर आप कोचिंग को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप बिना कोचिंग के किस तैयारी करोगे उसके लिए भी एक ऑप्शन है आप सभी के पास सपोज आपके पास क्या है कि उतने पैसे नहीं है कि आप किसी भी कोचिंग को वहां पर पे कर लो और अपना जो कोचिंग है उसे वहां पर कर लो या फिर अपना जो भी प्रैक्टिकल है उसे वहां पर कंप्लीट करो तो देखिए आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है है आपके आपके आईटीआई आईटीआई जहां से आपने IDI का कोर्स किया है, आपके अगर इंस्ट्रक्टर ठीक ठाक हैं अगर आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हो कि आपका जो डीआरडीओ का टायर वन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है मुझे 10 से 15 दिन आप प्रिंसिपल से यहाँ पर क्या कर सकते हो साइन करा के परमिशन ले सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए कि जो भी स्टूडेंट्स uh, हैं आपके आप उन्हीं के बीच में रहकर 15 से 20 दिन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो टीचर्स के इंस्ट्रक्शन में तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो यही आपके पास एक तरीका है बिना कोचिंग के तैयारी करने का कि आपकी जो आईटीआई है या फिर आपने uh, पॉलिटेक्निक सपोज किया हुआ है या फिर जो भी चीजें हैं ठीक है थीके? तो उसमें क्या है कि आप वहां पर जाके अपने प्रैक्टिस अपना जो भी हाथ की सफाई उसे वहां पर कर सकते हो कि आपने अच्छे से जो प्रैक्टिकल वर्क है वो वहां पर उसे कर लिया तो होप सो क्लियर होंगी और मैं सारी चीजें बता बताती कि किन स्टूडेंट्स को आपका यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है अगर कोचिंग आप नहीं ज्वाइन करते हो तो फिर आपके पास कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर मैं बोल सकती हूँ स्किल टेस्ट की यहाँ पर तैयारी कर सकते हो और वाइवा के लिए देखिए वाइवा में आपको बेसिकली कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती मेन होता है अगर आपको टॉपिक क्लियर है अगर आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर है अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप किसी के भी सामने अपना जो वाइवा है उसे फेस कर सकते हो बाकी अगर आपको थोड़ा सा हेजिटेट होता है तो आप अपने दो चार फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए उसके अंदर आपस में डिस्कस कीजिए और वहां पर क्या है वाइवा की तरह कंडक्ट कर सकते हो ठीक तो है तो ये सारी चीजें हैं आपकी होप्स आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं लगा हो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको जेनुअन लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस स्ट्रेट से हैं और किस चीज की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ नए अपडेशन के साथ तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ध्यान बाय बाय टेक केयर